मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया तो मौलानाओं में हलचल मच गई। कोई इसे शरिया के खिलाफ कह रहा है तो कोई इसे मर्दों से नाइंसाफी बता रहा है। हर किसी के पास अपना तर्क है, लेकिन ये तर्क किसी भी सूरत में मुस्लिम महिलाओं को राहत या फिर मदद देने वाले नहीं दिखते। ऐसे में सवाल ये कि अगर बेसहारा महिला को उसका अधिकार मिलता है तो मौलानाओं को दिक्कत क्या है और क्यों मजहब की आड़ में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? महिलाओं को गुजारे का हक शरिया के खिलाफ कैसे हो सकता है? आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे महाबहस में, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। निकाह कबूल तो फिर गुजारा भत्ता क्यों नहीं? अब ये तय मानो, फिर नहीं होगा शहबानो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमको वो भत्ता मिल जाए। महिलाओं को गुजारे का हक शरिया के खिलाफ। कुरान ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे। मुस्लिम महिलाओं का सम्मान, मौलाना परेशान। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि हमारी तमाम मुस्लिम बहनों को अब गुजारा भत्ता मिलेगा। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की जो आदेश आया है वो बेहतर है, लेकिन अगर वो देश की सभी बहनों के लिए होता और बिना किसी याचिका को दाखिल करे एक नज़ीर पेश हो। मुस्लिम महिलाएं ही तो हैं, क्या उनको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है? गुजारा भत्ते पर मुस्लिम महिलाएं वर्सेस मौलाना। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रूही भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। फाजिल अहमद हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शहाबुद्दीन साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, इस फैसले के पक्ष में है या इसके खिलाफ हैं, और खिलाफ हैं तो क्यों हैं? देखिए, फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे मौलाना लोगों को या मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा इस्लाम की तारीख में जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग जो इशू बनाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है शरीयत के खिलाफ है, बल्कि ऐसा नहीं है शरीयत के खिलाफ। शरीयत ने ये सिस्टम बनाया, एक निज़ाम कायम किया कि जो मुतल्लका औरतें हैं उनको इद्दत की मुद्दत तक शौहर नाम नफका गुजारा भत्ता खर्चे का अखराजात वो उठाएगा। उसके बाद में फिर उसकी शौहर की जिम्मेदारी इसलिए नहीं होगी चूंकि शरीयत की मंशा ये है कि अगर आइंदा ताजीस यानी जिंदगी तक अगर वो खर्चा पानी उठाता है तो उससे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हो सकते हैं, संबंध बन सकते हैं, कहीं फिर वो नाजायज कदम ना उठा ले, ये शरीयत की मंशा है। इसलिए ये हुक्म दिया कि इद्दत तक शौहर की जिम्मेदारी बनती है। अगर उसके अलावा भी अगर मेरा एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे माँ बाप भी अगर देते हैं अपनी मर्जी से खर्चा पानी, इसी पर मेरा एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इद्दत के बाद क्या, 90 दिनों के बाद क्या, उस मुस्लिम महिला का क्या होगा जिसको तलाक दिया गया है? मान लीजिए अगर उसको कोई बच्चा है तो फिर उस बच्चे का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? इद्दत के बाद में भी अगर शौहर के माँ बाप अगर उसको अखराजात देते हैं जैसा कि इस्लामी हुकूमत में था, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, जब इस्लामी हुकूमत कायम थी पैगंबर इस्लाम के वक्त में, तो उस वक्त बैतुल माल से जो मुतल्लका औरतें थीं, बेवा थीं, यतीम थे, उन सबको माहाना खर्चा ता जिंदगी दिया जाता था। तो अगर वही बात अदालत कह रही है तो फिर दिक्कत और परेशानी क्या है शहाबुद्दीन साहब? ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ फाजिल अहमद साहब के पास जा रहा हूँ। फाजिल अहमद साहब, जिन लोगों को दिक्कत और परेशानी हो रही है
उनको दिक्कत क्यों हो रही है, दिक्कत का ग्राउंड क्या है, और क्या आप भी विरोध में खड़े हैं क्या, और हैं तो क्यों? दिक्कत किसी बात की नहीं है जी, ये अदालत का फैसला किसी एक व्यक्ति के ऊपर है। 125 सीआरपीसी में 1986 से मुस्लिम औरतों को भी पैसा दिया जाता है, अदालत तय करती है उनको। और अगर तब तक दूसरी लड़की, एक लड़की जो तलाक हो गया वो दूसरी शादी जब तक ना कर ले तब तक उसके हस्बैंड को पैसा दिलवाती है कोर्ट, और उनके बच्चों को पूरी जिंदगी पैसा दिलवाती है और उनको संपत्ति में अधिकार भी दिलवाती है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट में वो जाता है जिसको लोअर कोर्ट के फैसले पर उनको लगता है कि हमारा महीना जो है कम बधा, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट में भी अगर नहीं सेटिस्फेक्शन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फाजिल अहमद, लेकिन आज भी आप ये कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, और नाना प्रकार के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड की अलग बैठक चल रही है, उलेमाओं की अलग बैठक चल रही है, लीगल टीम लगा दी गई है, रिएक्शन एसटी हसन साहब का आ रहा है, मुफ्ती अहमद कासमी साहब का आ रहा है, मौलाना मोहम्मद मसूद साहब का आ रहा है। ये सब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो दखल है, ये पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल है, ये मुस्लिम पुरुषों के साथ नाइंसाफी है। आप कह रहे हैं किसी को दिक्कत ही नहीं है। तेलंगाना स्टेट से जुड़ा हुआ एक मामला जिसमें 20,000 रुपया उनको फिक्स किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक आए, और हस्बैंड ने ये कहा कि भाई 20,000 ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको पैसा तो भाई उसका गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, और आप किसी जिले के परिवार न्यायालय में चले जाइए, आप जाके पता करिए कि मुस्लिम लड़कियों को गुजारा भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो देती है कोर्ट, गुजारा भत्ता मिल रहा होता तो उस महिला को लोअर कोर्ट में क्यों जाना पड़ता, और फिर उसके बाद उनको, उनके शौहर को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज क्यों करना पड़ता? भाई वो रकम हाई कोर्ट से कम हुई ना, अगर वो पहले ही दे देते गुजारा भत्ता तो उस महिला को जाना नहीं पड़ता कोर्ट, जाना पड़ता। एक हाई को, लोअर कोर्ट को एक फिक्स है लिमिट, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। तो अरे भाई, आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये प्रावधान है, आप कह रहे हैं कि ये प्रावधान है, गुजारा भत्ता दिया जाता है। अगर गुजारा भत्ता दिया जाता तो फिर उस महिला को लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ती, और अगर वो चली गई और वहां से फैसला आ गया तो फिर साहब को दिक्कत क्या थी इस फैसले से? अमाउंट फिक्स करने के लिए लोग हाई कोर्ट जाते हैं, यदि लोअर कोर्ट में अमाउंट कम दिया तो अमाउंट बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ रूही भाटी जुड़ी हुई है। रूही भाटी, क्या ऐसी व्यवस्था है क्या जिसका जिक्र यहाँ पर फाजिल अहमद साहब कर रहे हैं कि नहीं, गुजारा भत्ता तो दिया ही जाता है, अगर तीन तलाक दिया जा रहा है या फिर किसी प्रकार से तलाक दिया जा रहा है तो गुजारा भत्ता दिया जाता रहा, इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई विरोध कर रहा है, क्या ऐसा है क्या? ठीक है, उनका सिग्नल चला गया है। डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी, क्या ऐसा है क्या कि किसी को फैसले से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है और कोई नई व्यवस्था नहीं है? फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि ये तो पहले से गुजारा भत्ता दिया जाता रहा है, और अगर कोर्ट ने आदेश दे भी दिया है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं अपने फाजिल भाई से पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार इन्होंने किन किन महिलाओं को गुजारा भत्ता दिलवाया है? आज तक जो तीन तलाक वाला मुद्दा बना था, जबकि इनको पता था कि एक बार में तीन तलाक कहने से तीन तलाक नहीं होती है, उसके बावजूद भी तीन तलाक होती है। अगर गुजारा भत्ता है तो मुझे आप उन महिलाओं की लिस्ट बता सकते हैं कि जिनको गुजारा भत्ता मिल रहा है? किसी महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता था आज तक भी। जो परेशान थी उनको ये मौलाना होते हुए ये भी नहीं सोचते, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये भी नहीं सोचते हैं कि आखिरकार वो जो अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी वो किस तरीके से करेगी। अगर गुजारा भत्ता देने वाली बात होती तो अगर कम से कम वहां बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे, यहाँ तो दीजिए। आप बोल रहे थे तो वो सुन रही थी, अभी वो बोल रही तो आप सुन लीजिए। गुजारा भत्ता देने वाली बात, अगर गुजारा भत्ता देने वाली बात होती तो मानी नाज जो है आज भी सिंगर बनी है, उसको आप उसको भी नहीं चैन से बैठने दे रहे हैं, आप उसको भी नहीं, अगर मान लो उसको गुजारा भत्ता मिलता, अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे मिलते तो क्या उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती? क्या उसे आज इस मुकाम पे आना पड़ता कि वो गाना गा के अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है? सिर्फ ये हुआ कि अगर कोई कानून महिलाओं के लिए आ जाता तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है। फाजिल अहमद का काउंटर, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रूही जी, ये हिसाब से ही पैसा फिक्स करती है गवर्नमेंट। अरे अदालत जो है उसकी आमदनी के हिसाब से पैसा फिक्स करती है। अब इस बात अगर इस बीच अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए आयुष्मान योजना कार्ड है सरकार का, आप उसमें जा सकती हैं, जो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड ही तो दिक्कत है फाजिल अहमद साहब, कि जब सुविधाओं का लाभ लेना होता है तब आप संविधान को मानते हैं,
और जब जब अदालती फैसलों को मानना होता है तो आप कहते नहीं हम तो शरीयत को मानेंगे, हम अदालती फैसलों को नहीं मानेंगे। रुई बाटी, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मतलब मैं सच में मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को अदालत के इस फैसले से क्या दिक्कत हो सकती है अगर महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तलाक के बाद भी उनको गुजारे भत्ते का हक होना चाहिए, ये उनका अधिकार है, ये कोई रहम नहीं है उनके ऊपर, तो इससे किसी को दिक्कत और परेशानी क्या हो सकती है? रुई बाटी, दिक्कत नहीं है और ये पहले से भी हो रहा था, हर किसी को अपना हक मिल रहा है। लेकिन मुझे मर्दों के विचार पे तरस आ रहा है, आप पे भी तरस आ रहा है कि लड़कियों को छोटे कपड़े के लिए इक्वालिटी चाहिए, लेकिन जब कहीं मुफ्त में पैसे आने लगे तो वहां पे बिचारे महिला बन जाती है कि नहीं इसके साथ जुल्म हो रहा है। कि क्यों आप मर्द के बारे में ऐसे कानून क्यों नहीं बनते, मर्द के लिए ऐसे कानून क्यों नहीं होते कि अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है। आजकल ऐसे केसेस होते हैं जो 100 में से मुझे लगता है 90% केसेस फेक होते हैं कि जो लड़कियां मर्दों पे लगाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, हमें तलाक चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। उन्होंने एक बिजनेस बनाया है इस चीज को और ये इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि उनके सारे कानून लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, मर्द बेचारा बीच रहा है। अगर इतना ये बात कहते हुए आपके जहन में ख्याल है या नहीं कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत निरी स्थिति में है, जो बहुत साक्षर नहीं है, जो आत्मनिर्भर नहीं है, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आगे अपना जीवन यापन कर पाए, क्या उनका भी ख्याल आपके जहन में है या नहीं? मुझे सबका ख्याल जहन में है, लेकिन आप बिचारों का भी ख्याल जहन में, आप वायु का भी ख्याल जहन में है जो बिचारे यहाँ सुसाइड कर लेते हैं या कहीं दूर भाग जाते हैं या समाज के डर की वजह से मार खाते हैं, उनका भी तो ख्याल कर लीजिए। सारे कानून क्यों औरतों पे बने हैं कि औरत बिचारी बन गई, औरत बिचारी बन गई, कोई बिचारी नहीं, जिनको छोटे कपड़े के लिए इक्वालिटी चाहिए। ठीक है सिंह साहब, आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद एक बड़ी खबर में बताऊंगा। सिंह साहब जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है निश्चित तौर पर स्वागत है। मुस्लिम महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय देता है तो हमें लगता है कि हमारे सारे भाई बहन जो यहाँ पे हैं उनको सबको स्वागत करना चाहिए, सिवाय ऐसे लोग जो गुनाहगार हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। क्योंकि महिलाएं तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी न किसी के परिवार की है। तो मुझे लगता है कि महिला मतलब महिला, महिला मतलब ये नहीं कि वो हिंदू की महिला और मुस्लिम की महिला या किसी और जाति धर्म की महिला। और आज जो ये जो अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पे मुस्कुरा रहे थे, उनको भी कहना चाहूंगा कि हमारी सभी की बहन है, बेटियां हैं, माँ है, और हम लोगों को ऐसे फैसलों का स्वागत करना चाहिए अमित जी, क्योंकि भारत एक संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सबसे सुंदर एक व्यवस्था, और सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो मुझे लगता है कि वहां पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं ले आकर भारत के संविधान को, भारत के कानून को मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए और विचार करना चाहिए। मैं आऊंगा रुई बाटी जी आपके पास, प्रकाश पांडे जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दें। मौलाना राशिद फरंगी महली का बयान आया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले को स्टडी करेगा, लीगल कमेटी फैसला स्टडी करेगी, सबको अपने धर्म का कानूनी हक है, ये उनका कहना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौलाना राशिद फरंगी महली का बयान, उनका यह कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले को स्टडी करेगी, लीगल कमेटी फैसला स्टडी करेगी और सबको अपने धर्म का कानूनी हक है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस पर हमारी जो लीगल कमेटी है वो उसको स्टडी करेगी और लीगल कमेटी स्टडी करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके अकॉर्डिंगली आवाम के सामने बात रखी जाएगी। और जहाँ तक गुजारे भत्ते का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, आपको, हर शहरी को अपने मज़हब पर पूरी तरीके से अमल करने की आज़ादी दी है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम कम्युनिटीज़ को अपने अपने पर्सनल लॉस पे, फैमिली मैटर्स में अमल करने का पूरा कानूनी हक और अख्तियार दिया है। एक बार फिर से चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश पांडे जी, 39 साल पहले शाहबानो केस में ऐसा ही फैसला आया था, उस वक्त संसद द्वारा एक कानून बनाया गया, फैसले को पलट दिया गया। ये केस क्या वैसा ही है या उससे कुछ अलग है, और इस फैसले के बाद अभी क्या क्या रास्ते खुलते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास क्या क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, विरोध का जहां तक सवाल है वो आपका अपना हक है, आप विरोध करें, बिल्कुल करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो साहबानों के केस की हम लोग बात करते हैं कि उस फैसले को पलट दिया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और साहबानों के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट इस मुद्दे पे आ चुके हैं।
सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो है, जो नई संहिता में अब 144 में आ रहा है, 144 में आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जब आप मुस्लिम महिलाओं के हक पे देखेंगे तो कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है अभी अपने इस नए जजमेंट में कि जो 2019 का एक्ट आया है, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन मैरिज एक्ट 2019, उसके एडिशन में ये एक्ट पढ़ा जाएगा, सीआरपीसी का 125 पढ़ा जाएगा, उसके सेक्शन 5 के साथ पढ़ा जाएगा, सामंजस्य में पढ़ा जाएगा। इससे अलग हटके कोई नई बात नहीं की है। जो आप 1986 के एक्ट की बात कर रहे हैं ना सर, वो एक्ट डैनियल लतीफी का केस आया था 2001 में, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेज की बेंच ने डैनियल लतीफी के केस में उस पूरे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अप्रिसिएट किया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अप्रिसिएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ऑप्शन थे। नंबर वन कि प्राइमा फेसाई आप उस एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दें, बैड इन द लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट डिक्लेयर करके उसको सेट असाइड कर दें, या उसका एक हारमोनियस, एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन आप दें और उसको एडमिट करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, अपने कानूनों के अंदर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट किया। ज्यूरिसप्रूडेंस के लॉ होते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस की अपनी एक पूरी जो है इंटरप्रिटेशन की लॉ है, एक थ्योरी है, जिसमें 4 से 5 बड़े स्कूल्स रहे हैं थॉट प्रोसेस के, और उनका अपना तरीका है। तो डैनियल लतीफी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप बात पूरी कर लेने दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड सर, नहीं ये बीच में देखिए, बीच में इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, वहां पे मुझे नहीं लगता है कि बीच में कहीं से उसमें डिस्टर्ब करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। तो सर जब डैनियल लतीफी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कहना चाहते हैं, मैंने कहीं आपका ना विरोध किया, हमें अपने बात की कहने की स्वतंत्रता है, निश्चित तौर पर जिसकी जितनी समझ होगी देंगे हम। अपने मित्र जो हमारे अभी मित्र यहाँ पे कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि 1986 का जो जजमेंट है सवालों केस में, उसमें भी तो गुजारे भत्ते की बात थी, साधारण तरीके से समझा जा सकता है। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गुजारा भत्ता देने का ही था, तावानों को गुजारा भत्ता देने का ही था, जिसको कांग्रेस की सरकार तुष्टिकरण के नाते बदल देती है, एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे मौलाना जी जो कह रहे थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो मैं कहूंगा निश्चित तौर पे आपका अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट या कहीं पे और भी जा सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, लेकिन अस्पष्टता से एक बात यहाँ कहा जा सकता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं पे भी अगर कोई बुराई है, उस बुराई की समाप्ति के साथ आपको खड़ा होना है या बुराई के साथ खड़ा होना है, ये विचार करना होगा कि आप अगर मौलाना है, आप धर्म गुरु हैं, तो आपका पहला फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो बुराई के खिलाफ है उसके साथ खड़े होना चाहिए, न कि आपको धर्म के साथ, तुष्टिकरण के साथ, फतवे के साथ या पर्सनल बोर्ड के। रोही भाटी कुछ काउंटर करना चाहती है, रोही भाटी। देखिए, इनको बड़ी फिक्र है मुसलमान औरतों की, लेकिन मुझे उन औरतों की फिक्र है जो कम से कम 20,000 से ज्यादा है, जिनके पति छोड़ के गए, साधु संत बने हैं, जिसमें उन्होंने कहीं मुस्लिम महिलाओं का जिक्र नहीं किया। नहीं रूही भाटी, आप डिरेल कर, उन्होंने कहा महिलाओं, उन्होंने सभी महिलाओं की बात कही, मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कही, आप उसको स्पेसिफिक कर रही हैं, उन्होंने सारी महिलाओं की बात कही। और मैं कह रहा हूँ महिलाओं चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, यही तो अदालत भी कह रही है। दे दीजिए कि जिसमें उनका फायदा है, अगर मुसलमान औरतों की इतनी फिक्र है, रिजर्वेशन दे दीजिए, स्कॉलरशिप दे दीजिए पढ़ने के लिए, कि मतलब आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे में अगर कुछ देना है तो वो ना दिया जाए, और आप ये करें कि सरकारी सरकारी जितनी सुविधाएं हैं वो सारी मिलती रहे। तीन तलाक कभी कोई औरत मुसलमान औरत पे जुल्म हो रहा, कौन सा जुल्म हो रहा है, पहले अपने औरतों को देखो कि जिनको 20,000 से ज्यादा छोड़ के गए हैं, जो बिचारी रूही भाटी कह रही है कोई जुल्म हो ही नहीं रहा है, अगर ये फैसला नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। सेक्शन 125 में कहीं जुल्म की बात नहीं है, शायद ग्राउंड लेवल पे जाके नहीं देखा है कि आजकल मुस्लिम महिलाओं पे कितना अत्याचार होता है, उनको नहीं पता है। मैंने तो यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से एक उदाहरण भी दिया है कि अगर एक महिला को भरण पोषण का उनको अधिकार मिलता तो उसको शायद गाने की प्रॉब्लम ना होती, वो गाना गा के अपने बच्चे का ऑपरेशन ना कराती। और ये थे कि जितनी जितनी भी अगर अगर अनएजुकेटेड महिलाएं, जितना भी
अनएजुकेटेड है, वो मुसलमान है, मुसलमानों को भी एजुकेशन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल आप गलत का साथ मत दीजिए, आप गलत का साथ मत दीजिए, आप गलत का साथ मत दीजिए। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मुसलमान आज इतना पढ़ा लिखा नहीं है। और जो मौलाना कह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से पहले मीटिंग करेंगे, नहीं, ये देश है संविधान के हिसाब से चलेगा, पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा ये देश। और जो मुसलमान बहनों को, जो सारी महिलाओं को, पहली बात तो मैं आपको फिर ये बताना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सभी महिलाओं के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सभी महिलाएं आती हैं, और सभी महिलाओं का आत्मरक्षा की, उसके स्वाभिमान की, उसकी इज्जत करना हम महिलाओं का फर्ज बनता है, ना कि उनको और ज्यादा। सिंह साहब जल्दी से 10%। देखिए, मैं अभी हमारी मुस्लिम बहन जो कह रही थी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पे साफ बोल से अपनी बात कहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में भी जो बुराई थी, वो कम आयु में शादी की, विधवा विवाह की, बाल विवाह की, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, तो स्वयं समाज ने उसको स्वीकारा और उसको दूर किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ कोई भी कुरीति, हम कुरीति पर ही चलेंगे। और दूसरी बात, संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक ताने बाने में सबको समानता का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में महिलाएं छोटी रहेंगी और पुरुष बड़े रहेंगे। अगर महिलाओं का कोई अधिकार बनता है तो वो मिलना चाहिए। महिलाएं समानता के अधिकार तो सबके लिए है भारत में, तो समानता के अधिकार को न मानते हुए शरीयत के अधिकार को त्याग दीजिए और भारत में बने कानून को अपनाइए, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर न्याय उचित है उस फैसले को स्वीकारिए। देखिए, मैं कुछ में सिर्फ अच्छी बात है, कानूनी चीजों पर बहस होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों की चीजों को नेगेटिव तरीके से प्रोपोगेट करना इनका काम बन चुका है। नहीं, इसमें आप बीजेपी को क्यों जोड़ रहे हैं फाजिल साहब? बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं है, अदालत का एक फैसला आया है, कुछ लोग फैसले के समर्थन में, कुछ लोग विरोध में, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ले आया गया कानून मोदी जी के द्वारा, बीजेपी की कोई बात ही नहीं है ना, अदालत का एक फैसला आया है जिसके खिलाफ कुछ लोग खड़े, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो लोग बीजेपी क्यों खड़े हैं यही समझ में नहीं आ रहा। चलिए, हो गया जी, सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्कुराहट क्या सुप्रीम कोर्ट है? अगर मुस्लिम फैसला पर अत्याचार हो और आपकी मुस्कुराहट कायम रहे आदरणीय, तो ये क्या ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा है। बहने इसको देख रहे हैं, मुस्लिम माताएं, अरे सुनिए, किसी की बेटी सबरीमाला पर फैसला आया था, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं। आज फैसला जिस मसले पर आया, डिबेट हम उस पर कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल रहा है और अदालत ने कहा है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो फिर दिक्कत और परेशानी क्यों हो रही है? यही बात समझ में नहीं आ रही है। ये हमारी एक बहन सर पे दुपट्टा लगा के बैठी है, एक बहन हमारी सर पे दुपट्टा लगा के बैठी है, उससे किसी ने कहा कि आप सर पे दुपट्टा डालो? जिसको नहीं डालना, नहीं डाला। एक बहन ने नहीं डाला है तो उसके ऊपर डालने का दबाव ही ना बनाया जाए ना। और वही बहन अगर ये कहे कि तलाक के बाद मुझे मेरा अधिकार चाहिए, तो फिर वो भी मिलना चाहिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके पल्लू नहीं डालने पर कितने खतरे जारी हो जाते हैं आप समझाएंगे? जिस शरिया से तालिबान चल रहा है, जिस शरिया से तालिबान चल रहा है, वहाँ क्या होता है वो भी लोग जानते हैं। प्रोपोगेट में शामिल है, प्रोपोगंडा में शामिल है। सवाल यह है, जब से इस फैसले का विरोध लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शरिया में दखल है, तो हर किसी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से चलेगा? जब आपको अपने हक चाहिए, संवैधानिक हक चाहिए, आप संविधान को मानने लगते हैं। जब अदालती कोई फैसला आता है, आपको नागवार गुजरता है, क्योंकि आपको लगता है कि यह तो मर्दों के अधिकार में दखल है। उसको सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी नहीं मानी और उसे भारत बंद किया। अरे तो आप करिए समझना चाहिए, आप करिए चलिए, लेकिन विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता। वो सिर्फ जो है वो 20% मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, 80% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की मुस्लिम फैसला बोर्ड नुमाइंदगी नहीं करता। वो एक अलग विचारधारा जो 20% के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। हुकूमत हिंद को यही समझ में आता है, और आम तरीके से जो हुकूमतें हैं, चाहे राज की हो, सेंट्रल की हो, या आम हिंदू लोग और जो मीडिया के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्लिम फैसला बोर्ड करता है, जबकि मुस्लिम फैसला बोर्ड तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता।
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों का नुमाइंदा बोर्ड नहीं है, नुमाइंदा तंजीम नहीं है, इस बात को खूब तरीके से समझना चाहिए। और मैंने ये भी बताया कि तारीख पर अगर तारीख के पन्नों पर अगर गौर करके देखेंगे तो इस्लामी हुकूमत में बैतुल माल से ऐसी बेवा मुतल्लका औरतों को ताजीज जिंदगी भर गुजारा भत्ता दिया जाता था, तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सही फैसला है, ठीक है, जिन लोगों को एतराज है उनको एतराज नहीं करना चाहिए। आपके तर्कों के साथ सहमत होंगे। प्रकाश पांडे साहब, यहाँ से आगे का क्या क्या रास्ता खुलता है? क्या ये फैसला एक नजीर बनने वाला है आगे आने वाले तमाम केसेस में? मैंने पहले भी एक बात की और दोबारा कह रहा हूँ कि फैसले में नया कुछ भी नहीं है। डैनियल लतीफी से और बीइंग ए लॉयर, मैं रोज कोर्ट में 20 से 25 मुकदमे मुस्लिम बहनों के देखता हूँ जहां सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस के लिए वो जाती हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 39 के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके परिपेक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अप्रिसिएट किया और उसके बाद पास किया। आप जब जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको कहीं से ऐसा नहीं दिखेगा कि किसी पक्ष की बात को नहीं सुना गया है। कम से कम इसमें 10 से 15 पुराने जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है, जस्टिस नागरत्ना ने और जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मसीह की बेंच ने। समय और आगे जाने की इजाजत नहीं देता, मैं आपसे माफी चाहूंगा प्रकाश पांडे जी, लेकिन देखिए सारी बातों का सार और निचोड़ यही है कि आधी आबादी को अगर उसका पूरा हक मिले तो मिलना चाहिए। वो आबादी चाहे मुस्लिम बिरादरी के हो, हिंदू बिरादरी के हो, किसी भी बिरादरी से, किसी भी धर्म से आती हो, किसी भी जात से आती हो, उसको उसका हक मिलना चाहिए और उस हक के विरोध में शायद ही किसी को खड़े होना चाहिए।